बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ गया है। अगले 7 दिन तक फिर से दिल्ली बंद। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि अभी फिलहाल और लॉकडाउन की जरूरत है, इसीलिए एक हफ्ता और लॉकडाउन लगाया गया है। कल सुबह याद खत्म हो रही थी 6 दिन के लॉकडाउन की, लेकिन अब उसको और आगे बढ़ा दिया गया है, 7 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हाँ, दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। पंकज जैन और अरविंद ओझा मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, जब पिछली बार लॉकडाउन लगाया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें मेडिकल जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको दुरुस्त करना, अस्पतालों में तमाम सुविधाएं वापस से दुरुस्त करनी ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। 37% पॉजिटिव अगर रेट चल रहा है तो ऐसे में चेन तोड़ी कैसे जाएगी? एक हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा कि बात बन जाएगी? पहली बात, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, एक खास रणनीति यहाँ पे दिल्ली सरकार को बनानी होगी और सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उन्होंने एक टीम बनाई हुई है जो इस बात की निगरानी रखती है जहां से ऑक्सीजन निकल रही है और जहां ऑक्सीजन पहुंचनी है, यानी कि अस्पतालों में, इसके बीच में कोई गैप ना आए, तो इसे लेकर बाकायदा एक टीम काम कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि बेड्स की संख्या बेहद कम थी। जिस तरह से कोरोना सेंटर की संख्या बढ़ाई गई है, चाहे वो पूर्वी दिल्ली हो या फिर साउथ दिल्ली हो या फिर नॉर्थ दिल्ली हो, यहाँ पर कोरोना सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया गया है। होटल जो हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया है नवजोत। तो ऐसी स्थिति में बेड्स की संख्या तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन एक हैरान करने वाली कल खबर सामने आई। खबर यह है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जहां 650 बेड थे वहां 300 बेड कम कर दिए गए, ऑक्सीजन की कमी उसकी एक वजह बनी। जीटीबी अस्पताल जहां पर उत्तर प्रदेश से भी कई मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर मरीज वहां पर अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहां पर कुल बेड की संख्या थी 1500 जिसे घटाकर 700 कर दिया गया। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह है। तो ऐसी स्थिति में बेड्स की संख्या इन अस्पतालों में घटाई जा रही है, तो वहीं कोरोना सेंटर्स पर बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करता है और इसे लेकर ऐसे में पंकज जैन, देखिए, सरकार दावे कर रही है, एक टीम बना दी गई है, मैन्युफैक्चरर्स को अपनी बात कहनी होगी, पोर्टल बनाया गया जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, मैन्युफैक्चरर्स बताएंगे, सप्लायर्स स्टेटस बताएंगे, अस्पताल स्टेटस बताएंगे। लेकिन अरविंद ओझा, देखिए, चैलेंज बड़ा है। कल से हम देख रहे हैं तमाम अस्पतालों से आज तक लगातार संपर्क कर रहा है, डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं कि लाचार हम मजबूर हैं, हमें पेशेंट्स को डिस्चार्ज करना होगा क्योंकि बेड हैं तो ऑक्सीजन नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, बेड हैं और अब आपको बताऊं बेड भी काफी उपलब्ध है। जो दिल्ली सरकार ने एप्लीकेशन लॉन्च किया उसमें मैंने विजिट किया तो सुबह के वक्त 15 सिर्फ दिल्ली में जितने भी अस्पताल उसमें सिर्फ 15 आईसीयू बेड खाली थे। उसके अलावा जो नॉर्मल बेड है वो लगभग 1500 के लगभग खाली थे। कल की बात करें, जैसा पंकज जैन बता रहे थे कि लगातार कई अस्पताल हैं जो अपने बेड की संख्या घटा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मरीज है उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनको ऑक्सीजन देना है, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही कि केंद्र की तरफ से जो अलॉटमेंट हमें है और जितनी जरूरत है दिल्ली को, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंच पाए इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार ग्रीन कॉरिडोर बना रही है। हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे फरीदाबाद से दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का सहारा लिया गया। तो अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में मुश्किल रहेगी और शायद यही वजह है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया अरविंद केजरीवाल ने। नौजवान चले।